बिहार में बीजेपी ने जदयू को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हैं कि जदयू और एलजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। इसी बीच जदयू के नेताओं के तरफ से भी बयानबाजियां की जा रही हैं, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रखना भी अब पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। एनडीए गठबंधन दल किस नतीजे पर पहुंचेगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। पार्टी का नेतृत्व तभी तय करता है यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते हैं? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, उस पर तो ज्यादा फोकस आपको रत्नाकर जी और तमाम जो हमारे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष जी, ये लोग देंगे। लेकिन हमारा, मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि सप्त ऋषि और बूथ मैनेजमेंट, ये पूरी व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो बिहार सरकार ने मंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर 2025 में चुनाव होगा तो बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो सोचिए क्या होगा। यानी अभी से राजनीतिक गलियारे में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि सम्राट चौधरी के इस बयान की अगर माने तो बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर के भी घमासान है। मुकेश सहनी ने आज अपने विधानमंडल दल की बैठक से खुद को किनारा कर लिया, ना ही उनकी पार्टी से कोई सहयोगी नेता ही जा पाया। और ऐसे में चिराग पासवान लगातार यह बयानबाजियां कर रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। तो क्या वास्तव में बिहार सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही है वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी? क्या बिहार में सरकार गिर जाएगी? ये तमाम सवाल हम सबके सामने हैं, लेकिन सभी नेता अपने बयानों के बाद में बचाव करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, सरकार में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जबकि धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, खुद नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बिहार सरकार में नीतीश कुमार का बयान कुछ और रहता है और बीजेपी नेताओं का बयान कुछ और ही आता है। और ऐसे में बीजेपी नेताओं की तैयारी और 2015 का मलाल, यह कहने के लिए साफ साफ है कि बिहार में अब तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो क्या होगा बिहार के आगे आने वालों दिनों में, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या बिहार में बीजेपी अब अकेले अलग थलग पड़ जाएगी या फिर नीतीश कुमार का नेतृत्व वैसे भी बीजेपी को नकारा नहीं गुजर रहा है, तो देखने वाली बात है कि क्या होगा, नेतृत्व में बदलाव होता है या फिर राजनीतिक समीकरण ही बदल जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।